नमस्कार, अदाब, सलाम, इसलिए का आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ पटना के ज्ञान भवन में और यहाँ पे ज्वेलरी कनेक्टेड इन्फॉर्मा मार्केट यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है 24, 25, 26 तीन दिन के बाद। तो पूरे देश से यहाँ पे ज्वेलरी शॉप के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे एक से एक स्टॉल लगा हुआ है, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। एक से एक ज्वेलरी है, आप देख सकते हैं। और आज यहाँ पे जो पूर्व केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, पटना साहिब विधानसभा के जो सांसद और पाटलिपुत्र के जो सांसद है रामकृपाल यादव जी, वो भी उपस्थित थे यहाँ पे। आज अवधेश नारायण द्रौपदी, वो भी उपस्थित थे आज यहाँ पे एग्जीबिशन में मुआयना करने के लिए आए हुए थे। काफ़ी तादाद में लोग पूरे देश से आए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये जो हमने प्रयास पहला किया है पटना में ज्वेलरी कनेक्ट पहली बार लेके आ रहे हैं एज इन्फॉर्म मार्केट्स इंडिया। हम लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्वेलरी शो हांगकॉन्ग में करते हैं और इंडिया में हम लोग अलग अलग शहरों में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, हैदराबाद में करते हैं, चेन्नई में किया करते थे, कोलकाता, मुंबई, सब जगह पे करते थे, गुजरात में करते थे। पहली बार हम पटना में है। पटना का बहुत महत्वपूर्ण ये है लोकेशन, बिकॉज ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है, इसलिए हमें ज्वेलरी शो यहाँ पे पहली बार लाए हुए हैं। और यहाँ पे 150 से ज़्यादा ब्रांड्स है, पूरे इंडिया से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं, बायर्स आए हुए हैं। तो ये इस शो में हम लोग ज्वेलरी ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं बिहार राज्य के लिए, इसमें स्पेशली राज्य के लिए। आप देखेंगे गवर्नमेंट से सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आज कौन मिनिस्टर विजिट किए आपके यहाँ पे एग्जीबिशन? आज हमारे यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी आए, आपके ये स्पीकर जी आए, आपके जो रामकृपाल जी, ये सब तो बहुत सारे मिनिस्टर आ रहे हैं। अभी भी दोपहर में और एक मिनिस्टर आने वाले हैं जो है ऑल इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर है। सो उस हिसाब से गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहा है ये। तो पहली बार उनको यहाँ पे लग रहा था कि बिहार में ऐसे शो होगा या सिक्योरिटी कंसर्न से होगा कि नहीं होगा, बट गवर्नमेंट ने इतना हमको सपोर्ट किया है, उस हिसाब से गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू शो कि ये बिहार में अच्छे शोज हो सकते हैं, अच्छा इंडस्ट्री बैठ सकता है। तो ये एक नए बिहार की तरफ प्रयास है ये शो। ये पटना में बिहार में आपका पहला एग्जीबिशन इस तरह का है, इससे पहले भी यहाँ पर आया? बिहार में हमारा सबसे पहला प्रयास है। कैसा लगा यहाँ पर आके? एब्सोल्युटली, मेरा भी पहला टाइम है, मैं बिहार में आ रहा हूँ। मैं एक दृष्टिकोण लेके आया था और यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो बदलाव देख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम वेरी प्लीज टू सी कि ये एक नया बिहार है। और जो कल शाहनवाज हुसैन जी ने भी जो कहा था, जो करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं यहाँ पे, आई थिंक दिस इज़ ओनली गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर। थैंक यू। मैं योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट।